बताइए सुरेन राजपूत जी, चर्चा के लिए रास्ता बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, फिर मैं आपके INDIA के बाकी सहयोगी के पास चलूंगा। आपको इंडिया कहने में क्या दिक्कत है दीपक भाई, समझ नहीं आ रहा। इंडिया कहिए अच्छा लगेगा। खैर ठीक है, कह देता हूं इंडिया अलायंस। पहली बात शिवम ने बिल्कुल सही, हाँ सर बिल्कुल कहिए, जय जिंदाबाद करिए, इंडिया जीते। पर वैसे अगर आप एब्रिवेशन के हिसाब से बोलेंगे ना तो इंडी अलायंस होगा, क्योंकि आखिरी का ए अलग हो जाता है, अलायंस आ जाता है अपने INDIA अलायंस। अरे कोई बात, कोई कोई बात नहीं सर, आप जो चाहे बोलिए, जीतेगा इंडिया, ठीक है ना? बिल्कुल आपको खुली छूट, मैं इंडिया जीतेगा और ईस्ट इंडिया हारेगा, मित्र भी हैं। और हाँ हाँ बिल्कुल, इंडिया जीतेगा, ईस्ट इंडिया हारेगा, भ्रष्टाचारी हारेंगे, वो लोग हारेंगे जो नीरव को और ललित को मोदी के नाम पर भगाते हैं। यादव किस तरफ है ये देश जानता है, मत की भ्रष्टाचारी हारेंगे, हाँ बिल्कुल हारेंगे, लालू जी हारेंगे, आप हारेंगे, अखिलेश जी हारेंगे, आप हाँ नहीं विषांतर बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बोलिए दीपक भाई, बोल लेते हो, थोड़े थोड़े छोटे जवाब रखिए। देखिए सर, इंडिया अलायंस बड़ा है, 26 पार्टियां हैं, शिवम सिंह जी के बाद भी 38 पार्टियां हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक बात इन्होंने कहा भ्रष्टाचारी हारेंगे, हाँ परिवारवादी और भ्रष्टाचारी दोनों हारेंगे, अजीत पवार भी हारेंगे, अजीत पवार के साथी भी हारेंगे, पासवान के साथी भी हारेंगे, चिंता मत, लालू जी हारेंगे। मैं आपको ये छोटा सा जवाब दे देता हूं, आपने बड़ी अच्छी बात करी निर्भया में, आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात करी निर्भया में, आपने बड़ी अच्छी बात करी कि साहब हमने वो किया निर्भया में, मेरे मित्र कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब चाहा भाजपा ने, जब कहा जिस नियम के तहत कहा हमने चर्चा कराई, क्योंकि विपक्ष ने जो कहा, पहली बार था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसा आदमी जिन्होंने कहा था हम सत्ता पक्ष के नाते शर्मिंदा हैं, आपको याद नहीं है? यहां पर प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी सदन के अंदर कोई बात कही? दो दो बार निर्भया के मामले में कैबिनेट मीटिंग की, भारतीय जनता पार्टी ने उसको सब क्या नाम वो किया, आपके सामने भारतीय जनता पार्टी ने मांग करी, हमने कैबिनेट मीटिंग करी, हमने निर्भया को यहां से लेकर सिंगापुर भेजा, जिस नियम के तहत कोल घोटाले में कथित रूप से जहां आप कुछ नहीं पा पाए, सिर्फ आपका एक क्या नाम मंत्री नंगा हुआ है दिलीप रे, 3 साल की सजा हुई है, हमारे यहां कुछ नहीं हुआ, लेकिन कोल घोटाले में 2G में आपने सदन नहीं चलने दी, लेकिन जिस नियम के तहत आपने चाहा उस नियम के तहत हमने चर्चा कराई। आप बात करते हैं, हमने तो विपक्ष का इतना सम्मान किया, नियम आप बताओ, चर्चा हम कराएंगे। आज विपक्ष में हम हैं तो जिस नियम के तहत हम चाह रहे हैं कि सब लोग बात करें, आपको दिक्कत क्या है? पेट में दर्द क्यों हो रहा है? डर क्यों रहे हो? इसलिए आप कायर हो, इसलिए मनोज तिवारी की भाषा में नामर्द हो, हमारी भाषा नहीं है ये, मनोज तिवारी की भाषा है, हम इतनी गंदी भाषा नहीं बोलते, मनोज तिवारी की भाषा में लफंगे हो, क्योंकि आप उस नियम के तहत चर्चा कराने से डर रहे हो। प्रधानमंत्री भाग रहे हैं मणिपुर से, प्रधानमंत्री भाग रहे हैं, देश की शर्मिंदगी हो रही है, मणिपुर में महिलाएं नंगी नहीं हो रही हैं, देश और भारतीय जनता पार्टी की सरकार शर्मसार हो रही है। आपको तो चाहिए कि एक स्वर में सदन बात करे, कहे कि हम प्रधानमंत्री के पीछे खड़े हैं, हम भी प्रधानमंत्री के पीछे खड़े हैं, चर्चा होती है तो कि साहब पूरी दुनिया में जो हंगामा हो रहा है, भारत की सदन एक स्वर से बोलती है कि ये मणिपुर में गलत हुआ, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बोलती है, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री आने को तैयार नहीं है। 10 सेकंड्स दीजिएगा। किस बात की शर्म है प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री ने कौन सा गलत काम किया है? कैन आई रिस्पॉन्ड नाउ? ठीक है सुरेन जी, शिवम त्यागी का जवाब, फिर इसके बाद में संजीव जी और मानव जायसवाल जी के बाद। एक तो प्रॉब्लम यह है कि ये कांग्रेस वाले झूठ की फैक्ट्री बिल्कुल साथ लेकर बैठते हैं। कब किया था मनमोहन सिंह जी ने इस देश को एड्रेस पार्लियामेंट में, बताइए जरा? निर्भया वाले मामले में ये रही रिपोर्ट, बिल्कुल किया था, आपकी जानकारी नहीं है, दो बार कैबिनेट में लीजिए, सुनिए आप प्लीज, और पूरी बात बीच में मत बोलिए। जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था ना, इस देश के में जब निर्भया हुआ उसके बाद इस देश के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह देश के लिए शर्म वाली घटना है, शर्मनाक घटना है, और उसके लिए जैसे ही कैमरा बंद हुआ फिर पता है क्या कहा? हो गया ठीक है, आपकी बाइट मिल गई, जाइए अब। और ये ट्विटर पर ट्रेंड हुआ है वन, तो ये तो आपकी संवेदनशीलता थी निर्भया को लेकर, बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, सदन में बीच में मत बोलिए, सदन में बीच में मत बोलिए, उस समय प्रधानमंत्री सहित पूरे जिस नियम के तहत चर्चा पहले कह चुका हूं, ये मैं पहले कह चुका हूं कि सदन में चर्चा हुई है, लेकिन उसमें विपक्ष का रोल था, विपक्ष ने चर्चा होने दी, आप होने दीजिए ना, आप होने दीजिए चर्चा, आप चर्चा नहीं होने दीजिए, विपक्ष के जिस नियम में कहा था उस नियम में चर्चा, वो बोल रहे थे मैं जिस
विपक्ष ने जब वो बोल रहे थे मैं शांति से सुन रहा था, आप सुनना क्यों नहीं चाहते? तो सुनिए, हमने चर्चा कराई, भाजपा ने चाहा, हमने नियम पे चर्चा हुई। नहीं यार, 276 में चर्चा नहीं, बिल्कुल चर्चा हुई। क्या दिक्कत है चर्चा होने में? दीपक जी, बिल्कुल चर्चा हुई। सुरेन जी, सुरेन जी, मैंने उनको रोका, आप भी बीच में मत बोलिए। हमने तो कोल मंत्री का इस्तीफा लिया। बीच में चिल्लाने से कोई लाभ नहीं है, मैं सिर्फ आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं जो आपने खुद ही बोल दिया। जब हम विपक्ष में थे, तमाम विरोधों के बाद हमने चर्चा होने दी, हम आपके साथ रहे इस देश को, क्योंकि उस समय एड्रेस की आवश्यकता थी। फिर बीच में शुरू हो गए चर्चा रखी। सुनिए, एक सेशन वॉश आउट हुआ था टू जी में, आप झूठ बोल रहे हैं, अपने आप फिर झूठ बोल छुपा रहे हो, इसलिए बोलना पड़ रहा है। ये आपकी जो गंद भाषा है ना, एक तो सारे प्रवक्ता ऊपर से लेकर नीचे तक भाषा के स्तर पर इतना गिर गए हैं। अभी मैं एक और ढूंढ रहा था, अरे पूछे ना, एक काम करिए अभी अपने दूसरे शर्मा जी को देख लीजिए, उन्होंने क्या भाषा इस्तेमाल करी है दूसरे चैनल पे। मैं नहीं जाना चाहता बोल रहा है, इस तरह की भाषा आप अपने पास रखिए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमने चर्चा कराई, हमने चर्चा करने दी। मनोज तिवारी के पास की भाषा है दीपक जी, अब अगर चाहते हैं आपके सुरेंद्र भाई, सुरेंद्र भाई आपके बाकी सहयोगी भी है सर, INDIA का मतलब, थैंक यू इंडिया का। तो यहीं पर विषय साफ हो जाता है। और दूसरा, मणिपुर पर चर्चा करने वाले लोगों को अब आप मुझे, अरे इंडिया बोलेंगे क्या? लालू जी भ्रष्टाचारियों को इंडिया बोलने लगे, दीपक चौरसिया तो चल लिया हिंदुस्तान, 5,000 करोड़ी भ्रष्टाचारियों को इंडिया बोलने लगे तो चल लिया काम। बोलोगे अगर 17,000 करोड़ के घोटाले वाले को भ्रष्टाचारी बोलने लगे तो इंडिया बोलने लगे तो चल लिया काम। बोलोगे दीपक जी, जब इनको बोलने का समय था, वो सब सारे आप ही के साथ भ्रष्टाचारी नहीं, गलत बात, अब ठीक है, टोका टोकी चलती है, पर इतने भी नहीं, वही अजीत पवार लीडर ऑफ ऑपोजिशन महाविनाश अघाड़ी के आपके बने हुए थे, तब भ्रष्टाचारी नहीं थे वो। क्या है आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ महाविनाश अघाड़ी। अरे भैया, एनडीए का फुल फॉर्म कर दें हम, तब आप कर लीजिए, आप करते नहीं है क्या? आपकी तो भाषा आप अभी देख लीजिए, इसमें विषय पर रहिए। मैं विषय पर हूँ सुरेंद्र जी, आइए ना, कृपया करके, कृपया करके बीच, नहीं नहीं वो आपकी भाषा है, वो आपके प्रवक्ताओं की भाषा है भैया। आप कहीं स्टूडियो में ग्लास तोड़ो, पत्थर तोड़ो, गालीबाजी, जूते निकालना, ये सब आपका काम है, बता तो रहा हूँ। दीपक जी मुझे बोलने का मौका दीजिए, वो लगातार सुरेंद्र भाई ऐसा ना करिए बीच में, प्लीज थोड़ा बहुत इंटरवेंशन चलता है, लगातार मत बोलिए, रनिंग कमेंट्री। अब मैं और विषयों पर आता हूँ। आप मुझे एक चीज बताइए, जब 2017 में 120 दिनों के लिए मणिपुर बंद था, कितनी बार आकर बोले थे ये लोग? उससे पहले जब 1993 में जब इस तरह की चीजें हुई थी, राष्ट्रपति शासन लगा था 8 महीने के बाद, कितनी बार हुआ था? और ये हमारा हलफनामा है, और हमारी सरकार ने हलफनामा दिया है, और हलफनामे में हमने सारी चीजों को इंश्योर करके बताया है सुप्रीम कोर्ट को कि हर तरह की चीजों को इंश्योर करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर इस तरीके की किसी भी चीज को रोकेगी। और जिस तरीके से CBI ने टेक ओवर किया है और गिरफ्तारियां हुई हैं, उसके बाद माहौल बेहतर हुआ है। लेकिन संसद में माहौल बेहतर इसलिए नहीं होने देना है क्योंकि 2024 के हिसाब से मसल पावर दिखानी है, और जितने भी पुराने विषय रहे हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा बोली है, आगे भी बोलेगी और बोलती रहेगी। लेकिन ठीक है, ये विपक्ष।